मेरे वीडियो में मैं फुल बॉडी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने वाली हूँ, जो मैं खुद यूज करती हूँ। मार्केट में अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल प्राइसेस में है। तो मैं जो प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंड करूंगी उसकी वजह से आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में रेकमेंड करने वाली हूँ उनके लिए और जितने भी ब्रांड्स मैं बताने वाली हूँ उनमें से एक के लिए भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। ये खुद से मैं अपने प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हीं में मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, और वो सारे स्किन टाइप्स के लिए बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है मेरे स्किन केयर रूटीन में वो है फेस वॉश। तो ये है ग्लो एंड लवली का फेस वॉश, पहले इसका नाम फेयर एंड लवली था। ये है ग्लो एंड लवली फेस वॉश, मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखता है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह है। इस फेस वॉश को मैं लंबे समय से यूज कर रही हूँ और मुझे इसका कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। ये फेस वॉश सारी स्किन टाइप्स के लिए है, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बनाया हुआ है। अब इसे यूज करने के फायदे क्या है, इसकी क्या अच्छी क्वालिटीज है कि आपको इसे परचेज करना चाहिए, अपने स्किन केयर रूटीन में इसे ऐड करना चाहिए, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे ही आप इस ग्लो एंड लवली से फेस वॉश करोगे तो आपके चेहरे के जितने भी पोर्स है वो खुल जाएंगे, आपको फ्रेश महसूस होगा, आपको स्किन को ब्राइट लुक मिलेगा, आपको ग्लो मिलेगा, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। अगर आप फेशियल करना चाहते हो और अगर आपके पास घर पे क्लींजर अवेलेबल नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको इसके साथ जरूर यूज इसे आप एज अ क्लींजर यूज कर सकते हो। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप इसे एज अ क्लींजर यूज कर सकते हो फेशियल के पहले। आपके स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितनी भी डर्ट वगैरह जो जमा हो जाते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं, अगर हम बाहर नहीं भी जा रहे, घर में काम कर रहे, सारे एक ही वॉश में निकल जाएंगे। इसमें विटामिन B3, C और E है, जो आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, सॉफ्ट रखता है और उसे दिन भर मॉइस्चराइज रखता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे दो बार यूज कीजिए, सुबह जैसे ही आप उठते ब्रश करने के बाद सबसे पहले फेस वॉश कीजिए और रात को सोने से पहले। जैसे आपका रूटीन है डेली रूटीन, उसके हिसाब से आप इसे दो बार यूज कीजिए। इसमें स्टेरॉइड्स नहीं डाले गए हैं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं, तो आप इसके साथ डेफिनेटली जाइए। अब चलते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ। तो सेकेंड प्रोडक्ट मैं फिर से रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको ग्लो एंड लवली फेस वॉश नहीं यूज करना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। मैंने इसे पहले भी यूज किया हुआ है और ये भी बहुत ही अमेजिंग है। मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखता है। ये इसका टेक्सचर है। अब पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी के फेस वॉश की खासियत क्या है कि आपको इसको थोड़ा सा ही लेना है और ये ना बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो आप अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो वो वेस्ट जाएगा। इसलिए मैंने अभी आपको प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा सा ही निकाल के दिखाया। इसी क्वांटिटी में वो आपके पूरे चेहरे पे फैल जाता है और पूरे चेहरे पे लग जाएगा। अब इस फेस वॉश की खासियत है कि ये आपके स्किन के, आपके चेहरे के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स है उन्हें निकालने में मदद करता है। ये भी सारे स्किन टाइप्स के लिए बनाया हुआ है, सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मतलब आपकी कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, ऑयली स्किन हो, ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बनाया गया हुआ। इसमें विटामिन B3 है। ये दोनों फेस वॉश डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है। इन दोनों भी फेस वॉशेस में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इस फेस वॉश को आप फेशियल करने से पहले क्लींजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले बोला कि इसमें विटामिन B3 है, तो विटामिन B3 एक्चुअली आपकी स्किन को ब्राइटन करने में मदद करता है और आप इसे दिन में दो बार जरूर यूज कीजिए। एंड आपकी स्किन की जो इतनी भी इम्प्यूरिटीज है, जितने भी डेड स्किन सेल्स है, डार्क स्पॉट्स है, इन सबको निकालने में पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी जरूर मदद करता है। तो ये दूसरा एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज करती हूँ। तीसरा प्रोडक्ट है वो है जॉय का हेलो सनब्लॉक एंड एंटी टैन लोशन, ये वाला। एंड ये भी सारे स्किन टाइप्स के लिए ही बना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ आज के स्किन केयर वीडियो में, स्किन केयर रूटीन के वीडियो में, वो सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो ये जो है आपको UVA और UVB रेज दोनों से बचाने में, दोनों से प्रोटेक्ट रखता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो SPF 20 है। ये टैनिंग होने से और सनबर्न होने से आपको बचाएगा। मैं इसे खुद यूज कर रही हूँ और ये एक्चुअल में इफेक्टिव भी है। आप अगर इसे लगाओगे तो आपको महसूस भी नहीं होने वाला है कि आपने कोई एंटी टैन लोशन लगाया हुआ है। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि घर से निकलने से 20 आधे घंटे पहले आपको एंटी टैन लोशन लगाने लगे, एंटी टैन लोशन लगा रहे हो और झट से घर के बाहर जा रहे हो तो आपको स्किन रैशेज भी हो सकते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन ग्रीसी है और वाटर प्रूफ है। इसमें रास्पबेरी फ्रूट ऑयल है
रास्पबेरी फ्रूट ऑयल की खासियत ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड्स है जो एक्चुअल में UVA और UVB रेज से आपको बचाते हैं। मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखता है। ये ऐसे दिखता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही आप इसे अपने मतलब जैसे ही आप बॉटल ओपन करोगे तो इसमें से रास्पबेरी फ्रूट ऑयल की खुशबू आती है। तो चौथा प्रोडक्ट है वैसलीन ग्रीन टी बॉडी लोशन। ये नॉन ग्रीसी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ कि इसे यूज़ करने के फायदे क्या क्या है। ये वाला जो लोशन है मैं इसे खुद पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ये उसके लिए परफेक्ट है। नहीं है कि विंटर में ही ड्राई स्किन की प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपकी नेचुरली ड्राई स्किन है तो आपको हमेशा इचिंग होती है और किसी किसी को लाल पैचेस भी हो जाते, रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, तो उसके लिए ग्रीन टी वैसलीन का ये ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग लोशन बहुत ही परफेक्ट है। लगाते ही आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। आपको इसे 2 बार लगाना है, मतलब सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। तो ग्रीन टी एक एक्चुअली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारे स्किन के लिए। इसमें ग्रीन टी और वैसलीन जेली डाली गई है जिसकी वजह से अगर आप इसे जैसे ही अपने स्किन पे लगाओगे तो आपकी स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड नरिश्ड फील होता है, और एक्चुअल में होता है। मैं खुद इसे लगा रही हूँ। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है या रफ है बहुत ज़्यादा तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसके साथ जाइए। अब चलते हैं 5वें प्रोडक्ट की तरफ जो है स्क्रब। ये है ग्लॉसी ब्यूटी का स्क्रब। मैं दिखा देती हूँ कैसे दिखता है। इस फेशियल स्क्रब को यूज़ करने की फायदे ये है कि इसमें आलमंड डाला गया है, ये आयुर्वेदिक एसेंट एक्सट्रैक्ट्स भी डाले गए हैं इसमें, और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मतलब आपकी कोई भी स्किन टाइप हो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बनाया गया है। और ये एक्चुअली डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और मैंने इसे पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं महीने में एक बार करती हूँ फेशियल, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। एंड इसका ग्लो एक्चुअली पहले इसमें ही आ जाता है आपके चेहरे के ऊपर। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मैंने बस थोड़ा सा ही लिया और ये इतना ज़्यादा फैल गया। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ इन्हें यूज़ कीजिए। मैं खुद इन्हें यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।